Good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in Oxford Lane. CTET, SuperTET और UPTET की तैयारी करने वाले सभी मित्रों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस जो मैं बना रहा हूं, आपको पसंद आ रहे होंगे, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और एक कंसेप्ट बन रहा होगा. मैंने कोशिश की है कि बड़े बड़े चैप्टर्स जो आपके कोर्स सिलेबस के हैं उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिए जाएं और छोटे छोटे वीडियोस दिए जाएं. बड़े वीडियोस थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं या थोड़ा सा लेबर्ड हो जाते हैं. आपको लगता है कि ये देखने में बड़ा समय देना पड़ेगा या चीज़ें थोड़ी सी गडमड भी हो जाती हैं. हम लोग एक दूसरे में एक चीज़ें मिक्स भी होने लगती है. इसलिए हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे वीडियोज बनाए जाएँ, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाए और चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करें और खास तौर से उन प्रश्नों को जरूर डिस्कस करें जो क्वेश्चंस लास्ट इयर्स में आपके क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, पर्टिकुलरली उस चैप्टर से. तो ये सब कुछ हम लोग करेंगे, डोंट वरी. आइए आज का लेसन हम लोग शुरू करते हैं. आज हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बारे में पहले भी हम लोग जान चुके हैं. पीछे के दो वीडियोस में हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया है. और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल चेंजेस इन ह्यूमन्स लाइफ. तो साइकोलॉजिस्ट महोदय लोगों ने इस डेवलपमेंट को कुछ हिस्सों में बांटा है, इसका डिवीजन किया है. तो कितने तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट होता है जो सबसे ज्यादा ओबियस होता है, शारीरिक विकास आप इसको कह सकते हैं. यह शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास. और यह शारीरिक विकास सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है. इसको हम लोग आराम से देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, समझ सकते हैं. ये दिखाई देता है. इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है. धीरे धीरे वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, खेलने लगता है, बात करने लगता है, कूदने लगता है, कोई चीज कैच करने लगता है और फाइन मोटर स्किल्स भी उसके दिमाग में आने लगते हैं. वो पेंटिंग करने लगता है, राइटिंग करने लगता है, ड्राइंग करने लगता है. तो ये जो चेंजेस उसमें आते हैं, ये सभी चेंजेस फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत समझे जाते हैं, जाने जाते हैं. इसमें जैसे पेंटिंग है, राइटिंग है, ड्राइंग है, जंपिंग है, कैचिंग है, वॉकिंग है. ग्रॉस मोटर स्किल में वॉकिंग, जंपिंग एंड कैचिंग, याद रखिएगा ये चीज जो हमने आपके बोर्ड पर लिखा है, जो हमने आपके स्लाइड पर दिया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स. सो जस्ट केयर इट. ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है पूछा जा सकता है, तो आप उसके एग्जाम्पल से याद रखेंगे. फाइन मोटर स्किल्स में पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजें आती हैं. तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे. लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द चाइल्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, आल्सो कॉल्ड मैच्योरेशन. और बच्चा धीरे धीरे अपनी बॉडी गेन करता जाता है, अपना शारीरिक विकास करता जाता है और अप टू मैच्योरेशन, अप टू बीइंग मैच्योर, जब तक कि वो पूरी तरह व्यस्त नहीं हो जाता, ये सारी चीजें चलती रहती हैं उसमें. ये विकास चलता रहता है और इस विकास को हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं. अब आइए, एक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव को हम बौद्धिक कह सकते हैं, इसको हम लोग बौद्धिक विकास कह सकते हैं. ये बौद्धिक का मतलब ये मेंटल डेवलपमेंट होता है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब बौद्धिक विकास. और लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इसमें वो प्रोसेस सीखता है किसी चीज को कैसे चलाया जाए, हाउ टू डिल इट, हाउ टू डू इट. तो हाउ टू का जो जवाब वो पाता है वो अपने ब्रेन से पाता है, अपने दिमाग से पाता है, अपने बौद्धिक विकास की वजह से पाता है. इसको हम बौद्धिक विकास कह सकते हैं. इसके बाद इसमें जो चीजें आती हैं, इसमें यूजिंग देयर सेंसेस सच एज सीइंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, जो जहां मस्तिष्क का काम, जो दिमागी तौर से जो आदमी विकास करे, उसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं. ये चीज आप ध्यान रखेंगे. इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि यूजिंग आवर सेंसेस वी गेट द सच टाइप ऑफ फीलिंग्स.
एंड रजिस्टरिंग इंफॉर्मेशन इन दियर माइंड, यही नहीं सिर्फ हम देखते नहीं है और सीखते नहीं है, उन चीजों को अपने अपने दिमाग के शेल में स्थिर भी करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं, उसको रखते भी हैं। इसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, ये भी चीज आप याद रखेंगे, बौद्धिक विकास का मतलब ही हुआ इंटेलिजेंट का विकास, इंटेलिजेंस का विकास। आगे बढ़ते हैं, दो आपने सीखा फिजिकल कॉग्निटिव, आगे बढ़ते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इसको हम सामाजिक विकास कह सकते हैं, सामाजिक विकास कह सकते हैं, और इमोशनल डेवलपमेंट भी मन का विकास आप कह सकते हैं, इसको संवेगों का विकास आप कह सकते हैं। तो सामाजिक विकास इसमें आप समझ सकते हैं इसको। सोशल बिहेवियर इन इन्फेंसी सेल्फ, इसमें हम सोशल बिहेवियर सकते हैं, समाज में कैसे चला जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे बात किया जाता है, एक दूसरे से हम कैसे फ्रेंडशिप करते हैं। तो यंग चिल्ड्रेन जो होते हैं वो इंजॉय करते हैं इस डेवलपमेंट की वजह से, अपने फ्रेंड्स को शेयरिंग सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, कोऑपरेशन शेयरिंग पेशेंस सीखते हैं, धैर्य रखना सीखते हैं। सोशल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट यहाँ डेफिनेशन है सोशल डेवलपमेंट का, जो इम्पॉर्टेंट है वो आप जरूर समझ लेंगे। सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एक्सेप्शंस, समाज से जो चीजें हम सीखते हैं, समाज से जो चीज हम सीखते हैं, वो सारी चीजें सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत समझी जा सकती हैं। हमें लगता है कि ये चीजें हम लोग जी रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रही होंगी। जो चीजें हमने रेड मार्क की हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसकी, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस इमोशन। अब देखिए, समाज से ही हम लोग सीखते हैं कि अपने इमोशंस को, अभी गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें, सामने वाला हम पे गुस्सा है तो उसको हम कैसे बना लें। तो इस तरह की जो बुद्धि आती है, इस तरह का जो सेंस आता है हमारे अंदर, यह समाज से आता है, इसीलिए इसको सोशल और इमोशनल को दोनों को एक साथ रखा गया। अब एक लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक छोटा सा बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है, धीरे धीरे ताता बोलना शुरू करता है, मामा बोलना शुरू करता है, काका बोलना शुरू करता है, और वही बच्चा एक दिन फ्लॉलेसली इंग्लिश बोलने लगता है। तो एक लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो वो सीखता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी एक प्रकार का डेवलपमेंट है। इसके बाद मोरल डेवलपमेंट, इसमें राइटिंग हुआ, स्पीकिंग हुआ, साइन हुआ, लैंग्वेज हुआ। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन हम लोग सीखते हैं थ्रू राइटिंग एंड थ्रू स्पीकिंग। मॉरल डेवलपमेंट, ये एथिक्स से जुड़ा हुआ है, मैनर से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग भाषा का विकास बोल सकते हैं, ये भाषा का विकास है मॉरल डेवलपमेंट, इसको हम लोग नैतिक विकास बोलते हैं हिंदी में, नैतिक विकास। एक व्यक्ति को इथिकल नॉलेज जो होता है, हालांकि ये भी सामाजिक ही है, समाज से ही हम लोग सीखते हैं, कहते हैं संस्कार हमारे घरों से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, फर्स्ट टीचर हमारी माँ होती है जो हमें सिखाती है किससे बात करना है, कैसे बात करना है, कैसे किसी को डील करना है, इसमें वैल्यूज दिए जाते हैं, इसमें कॉन्शियंस दिए जाते हैं आपको, और इसमें आपको एक चीज मॉरली सिखाया जाता है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो रॉन्ग और राइट का, रॉन्ग और राइट का जो सेंस होता है वो इसी डेवलपमेंट की वजह से होता है, मॉरल डेवलपमेंट की वजह से होता है। गलत और सही, क्या गलत है और क्या सही है, ये हम लोग मॉरल डेवलपमेंट से सीखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर यही खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप्स ऑफ
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वीकेम इंडिया इज हियर एंड यू आर वेलकम इन ऑक्सफोर्ड इन। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि ये छोटे छोटे वीडियोस आप देखें, समझें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरी कोशिश है कि बड़े से बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया जाए, उनके सेगमेंट्स बना दिए जाए ताकि आपको ज्यादा समय ना देना पड़े। एक एक टॉपिक को हम लोग एक एक छोटे छोटे वीडियोस में डील करते जाएं और उसको समझते जाएं, उस पर कंसेप्ट बनाते जाएं और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी करते जाएं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये चैप्टर्स जब कोई भी चैप्टर जब खत्म होगा तो उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग करेंगे, उस पे क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। और खास तौर से उन क्वेश्चंस को तो जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली उस चैप्टर से। सो आइए आज का लेसन हम लोग शुरू करते हैं। आज हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। आपको पता है पहले से, विकास जो होता है एक ओवरऑल चेंज होता है, उसमें ग्रोथ भी जुड़ा होता है। हमारे साइकोलॉजिस्ट महोदय लोगों ने इस डेवलपमेंट को कुछ हिस्सों में बांटा है, उसका वर्गीकरण किया है, उसका क्लासिफिकेशन किया है। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला आता है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शारीरिक विकास बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है, सबसे ज्यादा क्लियर होता है, सबसे ज्यादा विजिबल होता है। इसको आराम से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा जाना। इसमें दो चीज आपको याद रखने की, एक ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो आप याद रखेंगे ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है वो एक ऐसा स्किल होता है जिसमें हम लोग वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, रनिंग, जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें सीखते हैं, उसका विकास होता है। और फाइन मोटर स्किल जो जिसमें शारीरिक काम भी होता है और मानसिक काम भी होता है, जैसे पेंटिंग, राइटिंग, ड्रॉइंग, ये सारी चीजें फाइन मोटर स्किल में आती हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यह पूरी तरह से ओबियस है, ये सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का मतलब मानसिक विकास, बुद्धि का विकास, इंटेलिजेंस का विकास। और इसमें इसके माध्यम से हम चीजों को परसीव करना सीखते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, जिसमें जिसमें देखना है, सुनना है, छू के कोई चीज महसूस करना है, स्मेल करके कोई चीज जानना है, टेस्ट करके उसका स्वाद समझना है। तो ये सारी चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं, बौद्धिक विकास में आती हैं। इसमें हम लोग चीजें सिर्फ महसूस नहीं करते, उन चीजों को अपने शेल में, अपने मांस, अपने दिमाग के शेल में, अपने ब्रेन के शेल में स्टोर भी करते हैं, उनको इकट्ठा भी करते हैं। यह इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको समझ में आ गया होगा। आइए जल्दी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। भावनात्मक, इमोशनल को हम कह सकते हैं, ताजा भाई कहां गए, इमोशनल को हम लोग कह सकते हैं भावनात्मक, भावनात्मक विकास। इन दोनों को एक में जोड़ दिया है, भावनात्मक विकास को और सामाजिक विकास को। चूंकि भावनाएं, बहुत सारी चीजें हम समाज से सीखते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट में सोशल बिहेवियर सीखते हैं हम लोग, कि एक दूसरे से कैसे हमें बर्ताव करना है, एक दूसरे से कैसे मिलना है, एक दूसरे से कैसे शेयर करना है, कैसे कोऑपरेशन लेना है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे कैसे हम दूसरों के इमोशंस को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें हम लोग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में सीखते हैं। सोशल डेवलपमेंट में हम लोग शेयरिंग, समाज में रहकर दोस्त बनाते हैं, हम लोग दोस्तों से हम लोग शेयरिंग सीखते हैं, उनसे कोऑपरेशन लेना सीखते हैं, उनसे धैर्य रखना सीखते हैं, गुस्से को मेंटेन करना सीखते हैं। साथ ही साथ एक ये डेफिनेशन है हरलॉक का, ये आप जरूर याद रखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एक्सेप्शन। जो कुछ भी हम सीखते हैं समाज से जो हम लेते हैं, समाज से जो हम सीखते हैं, उसको हम सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के तौर पे रख सकते हैं।
इमोशनल डेवलपमेंट में इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। अपने गुस्सा आया तो हम कैसे धैर्य मेंटेन कर लेंगे, दूसरे को गुस्सा आया तो कैसे उसको हम मना लेंगे, ये इमोशनल डेवलपमेंट। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, भाषा का विकास, भाषागत विकास। एक छोटा बच्चा कुछ नहीं बोल पाता, बाद में ताता कहना शुरू करता है, काका कहना शुरू करता है, मम्मा कहना शुरू करता है, और वही बच्चा कुछ समय बाद फ्लॉलेसली इंग्लिश में बात करने लगता है, एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर बन जाता है। तो यह विकास जो है वो उसका भाषागत विकास है, उसकी भाषा का विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। और इस लैंग्वेज डेवलपमेंट के माध्यम से वो कम्युनिकेशन सीखता है। बात सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है, द वे टू कम्युनिकेट, बात कैसे करनी है, कैसे अपनी भावना व्यक्त करनी है। छोटा बच्चा रो के अपनी बात बताता है और वही थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कह के बताता है। तो ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट में सीखते हैं। राइटिंग, स्पीकिंग, साइन लैंग्वेज, ये सारी चीजें, इशारों में बात करना भी हम लोग सीख लेते हैं। तो ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट का। मॉरल डेवलपमेंट में नैतिक विकास आता है। नैतिक विकास का मतलब होता है व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट का ज्ञान होना। इसमें भी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जो हमें सिखाता है, हमें बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसमें हम कहते हैं कि ये बच्चे सही और गलत का ज्ञान संस्कारों से सीखते हैं। संस्कार हमारे घर में मिलते हैं और फर्स्ट टीचर हमारी माँ होती है, जो हमें सिखाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाद में इसके लिए बहुत सारे संसाधन, रिसोर्सेज हमें मिलते हैं जहाँ से हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो एथिक्स से संबंधित, नैतिकता से संबंधित चीज़ें हम सीखते हैं, दैट कम्स अंडर मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट जो है वो नैतिक विकास है। इसमें खास तौर से रॉन्ग और राइट, मॉरली अपने आप को जज करने का, ये भी एक कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, ये एक सर्टेन लेवल तक जाती है। तो इस तरह से आप डेवलपमेंट के काइंड्स जान गए, उनके टाइप्स जान गए। सबसे पहले एक बार फिर समय दोहरा दूं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, और लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के इतने प्रकार हो सकते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।